अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फाइनली वो दिन आ गया है जब हम पाकिस्तान जा रहे हैं। बहुत से लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि व्लॉग कहाँ है, व्लॉग कहाँ है, पाकिस्तान का व्लॉग कहाँ है। तो पाकिस्तान का व्लॉग अब बनेगा, अब होगी तफरी, अब होगी सम फूड व्लॉगिंग, मज़े करेंगे पाकिस्तान। अब देखें ऑलमोस्ट आखिरी पैकिंग बाकी है, कुछ ही घंटों में एयरपोर्ट के निकलना है। तो हम आपको मिलते हैं डायरेक्टली सफ़र में यहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो चलें तो गाइस, थोड़ी ही देर में हमारा पसीना निकल चुका है। अभी से हम बाहर से हमने यहाँ से घर से गाड़ी रखा है। अब हम करेंगे नेबर्स को अल्लाह हाफिज़, उनसे कहेंगे ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। तो गाइस, हमने कह दिया नेबर्स को अल्लाह हाफिज़, अब हम कहते हैं घर को अल्लाह हाफिज़। सफ़र की दुआ हमने पढ़ ली है, तो निकलते हैं हम अपने सफ़र में। दुआ में याद रखिएगा, और जब तक ये ब्लॉग शायद अपलोड हो जाएगा, मेरे पास नेट कनेक्शन हुआ तो ये ब्लॉग अपडेट हो जाएगा, नहीं तो पाकिस्तान पहुंच के ही आपने वक्त मिलेगा। मिलते हैं कुछ रास्ते में, देखते हैं कुछ। बस दुआ कीजिएगा कि सब खैर खैरियत से हो जाए। एंड यहाँ से चलते हैं ह्यूस्टन टू पाकिस्तान। तो चलो। तो हो ही नहीं रहा, मैं तो बोलना जैसे ओके गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे काफ़ी रश है। लगता है प्लेन बहुत फुल मिलेगा और कोई सीट खाली नहीं मिलेगी। तो जब हम चेक इन करते हैं तो आपसे मिलते हैं। ये हमारी प्लेन पार्टनर हैं, मम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं आपको चेक इन के बाद। और हम लोग अभी भी यहीं पे खड़े हुए हैं, लाइन बोल नहीं हो रही है, लाइन लंबी है और यहाँ टाइम लगेगा। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ड्यूटी फ्री शॉप पे देखते हैं कुछ पसंद आ रहा है, कुछ लेना तो है नहीं। दुबई में देखेंगे, यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। इतना पसीना निकल गया है ना खड़े खड़े रह के, तकरीबन एक घंटा 1 hour 20 minutes हमको लगे सारा क्लियर होने में। बहुत ज़्यादा रश था, और दो बैग हमारे ओवर हो गए थे और दो बैग सही थे, लेकिन उसने कर दिया। कह तो रहा था कि एक्स्ट्रा पे करना है, लेकिन मैंने कहा मुझे दो, मैं सामान को आगे पीछे करता हूँ। उसने कहा छोड़ो रहने दो, तो थैंक यू। लेट्स फाइन, हमारा गेट भी आ गया है, वहाँ पे इंतज़ार करते हैं। थोड़ी बनाते हैं टिकटॉक, ओके। काफ़ी टाइम तो मुझे वाला टिकटॉक बनाने का। तो फाइनली गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं, बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, लाइन लगी है, आखिर में जाएंगे। तो खड़े 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 पसीना आप देखें कैसा हो गया। दाढ़ी वाड़ी मैंने कुछ नहीं बनाई थी, मैंने कहा पाकिस्तान से जाके हेयर कट और दाढ़ी होगी, जिसका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं आप। अगर अलाव हुआ या हिम्मत हुई तो वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे ये लुक और उसके बाद का लुक। तो गाइस, ऑलमोस्ट देयर, आई थिंक 22 आवर्स में हम लोग पहुँच जाएंगे कराची। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, 7:15, तो हम लोग पहुँचेंगे कराची थर्सडे नाइट, फ्राइडे मॉर्निंग 1 AM। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
गाइस वी रीच दुबई एयरपोर्ट, थोड़ा फ्रेश होकर मिलते हैं। एक घंटा में आई थिंक एक घंटे में हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है कराची। चलो गाइस हमारी फ्लाइट लैंड हुई है, हम थोड़ा सा फ्रेश हुए और बोर्डिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो हम बस जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ B31। चलो 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 के भैया मजा आ रही। माशाल्लाह अजान हो रही है दुबई एयरपोर्ट पे। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। ये फ़ायदे मुस्लिम कंट्रीज़ में, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर होती ही नहीं होती है, बट लेकिन आई थिंक अरब कंट्रीज़ में तो होती है। चले मिलते हैं बोर्डिंग के बाद। क्या कर रहा आ रही हैं हम गाइस, बैठ गए हैं हमारी सीट नंबर 47 है, थोड़ी देर में ये करेगी डिपार्ट। हम लोग डायरेक्ट कहीं रुके हैं, डायरेक्ट हमने चेकिंग कर लिया, ये टाइम नहीं था, तो लेट्स सी लेट्स नीचे दिखा से आ रहे हैं। बस कराची आने में आई थिंक 15 से 20 मिनट कुछ आपके मिलते हैं कराची एयरपोर्ट पे। फाइनली पहुंच गए पाकिस्तान इमिग्रेशन की लाइन। एक घंटा लगेगा, 30 मिनट, आधा से एक घंटे लगेगा। आँखें देखें काली काली आँखें वाली। फाइनली इमिग्रेशन हो गया, हम बाहर जा रहे हैं। लेट्स सी वेलकम टू कराची, हमारा सामान आके जा रहा है। कहाँ गई तो पीछे हो रही हैं, पीछे हो रही हैं। कौन सी वाली है ये? कतर के भी है, एमिरेट्स की भी। एमिरेट्स के बाद कौन से? अभी सहाल एयरवेज आई और पीआई। तो बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं कौन कौन आया हुआ है, यहाँ से भी दिखेगा पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? नब्बे कहाँ? मम्मी के पास है। अभी आई। लोग इधर ही हैं। किधर ही हैं? इधर ही हैं। इतने सारे लोग हैं एयरपोर्ट पे तो? Why didn't you bring Nabo? Nabo, usko ne aana tha, wo kuch kar di thi, bottom kar di thi. Kisko kar rahi thi bottom? Nani ko. Nani bottom kar rahi thi. Nabo bag di thi. Assalam alaikum. Aage sir, aage 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 aage. Fresh ho raha thoda is tarah aage. Aage. Ye le bhaiya shahzade. Aage. Assalam alaikum. Assalam alaikum. Dobara. Dobara. सलाम अलैकुम।